एक 14 साल का नाबालिग लड़का था, उसके मुंह में एक गोगो सिगरेट जो होती है वो उसके मुंह में रख करके उसका फोटो खींच लिया गया था आरोपियों के द्वारा। और आरोपी तीनों भाई हैं और तीनों गुलमोहर कॉलोनी के रहने वाले हैं। तो इनके द्वारा फ़ोटो खींच करके इसके साथ ब्लैकमेलिंग की जाती थी कि अगर तू हमको घर से पैसा ला के नहीं देगा तो हम ये फ़ोटो तेरे मम्मी पापा को दिखा देंगे और तेरे घर वालों को भी बदनाम करके मुझसे जानों को जान से मरवा देंगे। तो इस तरह से ये मैटर आया था। फरियादी के पिताजी, बालक पीड़ित के पिताजी आए, उन्होंने बताया पूरा घटनाक्रम। उन्होंने बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो उनको तब पता चला। तो फिर प्रथम दृष्टया अपराध 384 ब्लैकमेलिंग का बन रहा था, तो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसमें ये पूरा पूरा ड्यूरेशन 8 महीने का है। 8 महीने से ये लड़के इसको ब्लैकमेल कर रहे थे और इस 8 महीने के ड्यूरेशन में इससे घर वालों से 5 लाख रुपए कैश और 10 सोने की चूड़ियाँ और कुछ और जेवरात इन्होंने उससे मंगा लिए थे उसके घर से। तो घर से मतलब पैसा जाता था, उन लोगों को शंका हुई। तभी उन्होंने घर वालों ने शंका के आधार पर फिर उसका मोबाइल वोबाइल चेक किया, तब पता चला। बच्चा थोड़ा डरा सहमा रहता था तो फिर बच्चे के द्वारा उस तक अपने माता पिता को बताया गया था। कौन सा आरोपी क्या? आरोपी तीन भाई हैं, ये गुलमोहर कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनका नाम पठान, सुफियान और अयान। ये बैकग्राउंड कुछ नहीं, ये लड़के भी नए लड़के हैं, 20-22 साल के हैं, ज़्यादा उम्र उनकी भी नहीं है। पैसा इन्होंने अपने खर्च में ही लिया। इन्होंने एक टैबलेट लिया, 3 मोबाइल खरीदे और भी अपने शौक पूरे करने के लिए उन्होंने खर्च किया था पैसा। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।